अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अच्छी जॉब्स ढूंढ सकते हैं पीपल पर आवर के ऊपर और उनके ऊपर बिड कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरह से और कौन से सेक्शन में जाके आपको जॉब्स नज़र आएंगे और किस तरह से आप अच्छी जॉब्स को एवेल्युएट करके साइड पर कर सकते हैं या उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने जाना है यहाँ सर्च के ऊपर। सर्च पे जाने के बाद सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है सर्च फॉर प्रोजेक्ट्स टू कोड ऑन। तो सिंपल यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कुछ इस तरह के इंटरफेस मेरे सामने आ गया। बेसिक से इंटरफेस है। यहाँ पे आप अपने स्किल के रेलिवेंट कोई भी जॉब सर्च कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप वर्डप्रेस सर्च करोगे, ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की जॉब्स ही यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना। आपने जो भी सेटिंग्स के अंदर जब आपने प्रोफाइल बनाई है, जो भी सेटिंग्स के अंदर जो भी स्किल्स और इंडस्ट्रीज वगैरह सेलेक्ट की होंगी, उससे रेलेवेंट ही आप लोगों के पास क्या शो होगा, यहाँ पे जॉब शो होंगी। और ये जॉब्स सिर्फ एक ही दफ़ा शो नहीं होंगी, यहाँ पे क्या होगा कि ये जॉब्स मज़ीद आपको शो होती रहेंगी। अगर 5 मिनट बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कुछ नया जॉब होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आपको नज़र आएगा फीचर्ड। इसका मतलब ये है कि जिस बायर ने ये जॉब पोस्ट की है उसने पीपल पर आवर को पैसे दिए हैं इसको टॉप पे रखने के लिए, ताकि उसको एक अच्छा फ्रीलांसर मिल सके, राइट। तो ये था कुछ इस तरह से। और यहाँ पे देखें काफ़ी सारी जॉब्स आपको नज़र आ रही हैं, इनका टाइम नज़र आ रहा है कि 5 मिनट अगो ये जॉब पोस्ट हुई है, ये जॉब पोस्ट हुई है, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें कुछ और जॉब्स भी नज़र आ गई होंगी। तो यहाँ पे देखें एक और जॉब, आई थिंक वही है लेकिन नई जॉब नहीं है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ये क्या नाम है उसकी प्राइस नज़र आ रही है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड प्रपोजल। अब यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, या मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये वाले चीज़ों को आपको ध्यान में रखें। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने मिनिमम 50 पाउंड से नीचे वाले प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना ही नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आवरली हो, जैसे ये $21 पर आवर है, ठीक है, तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो $5 पर आवर हो, $10 पर आवर, क्योंकि वो आपको आवरली पे करेगा, राइट। तो वो आपकी अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। लेकिन जो फिक्स्ड प्राइस है उसके अंदर आप कोशिश करें कि $50 से नीचे या 50 पाउंड से नीचे अप्लाई करें ही ना। आपका जो प्रपोजल क्रेडिट है वो भी आप रिस्क पे लगाते हैं। तो नॉर्मली मैं तो 100 पाउंड से नीचे करता ही नहीं हूँ अप्लाई, बट आपको चाहिए कि आप मिनिमम $50 या 50 पाउंड से नीचे वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिल्कुल अप्लाई मत करें। दूसरी चीज़ यह है कि आप कोशिश करें कि लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करें, जैसे ये सिक्स मिनट अगो और यहाँ पे देखें ये 13 आवर अगो अप्लाई कर सकते हैं, अगर जॉब अच्छी है और आपको समझ आ रही है। दूसरी चीज़ यह है कि वो जॉब आपके रेलिवेंट होनी चाहिए, मतलब आपकी स्किल से रेलिवेंट। ऐसा ना हो कि आप अप्लाई आपकी जो स्किल है वो वर्डप्रेस है और कंटेंट राइटिंग की जॉब है, आप उसके ऊपर अप्लाई कर दो। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर पेमेंट ज़्यादा लिखी हुई है और अच्छा बायर पे कर रहा है, तो वो आपको चाहे हायर भी कर लेगा, लेकिन अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं करोगे अपनी स्किल या अपने वर्क से, तो ऑब्वियसली बात है आपको रिफंड देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट के ऊपर पॉपुलैरिटी, लेटेस्ट तो लेटेस्ट के ऊपर कर सकते हैं, बजट के अंदर आप इसकी फ़िल्टर लगा सकते हैं और इस तरह से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग में ही जाता हूँ, और यहाँ पे देखें मुझे सारी जॉब्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग एंड टेक की ही शो हो रही हैं, क्योंकि मैंने ये वाली जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट की थी प्रोफाइल क्रिएट करते हुए, राइट। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस है, इसको यूज़ करते हुए आप ये जॉब नज़र आएंगी और इनके ऊपर आपको अप्लाई करना होगा। और आपको जैसे सेंड प्रपोजल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें आपको ये प्रपोजल का ऑप्शन और कुछ और ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब इनके अंदर क्या लिखना है, क्या किस तरह से लिखना है, क्या चीज़ें किस तरह से होंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके ऊपर मैं बात करूँगा और बहुत ही डिटेल के अंदर बात करूँगा, क्योंकि प्रपोजल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना बनता है, ताकि अगर आप प्रपोजल सेंड आउट करो क्लाइंट को तो वो देख के अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स करे, आपके प्रपोजल में इतना दम होना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको प्रपोजल के अबाउट बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह से प्रपोजल आप लोगों ने सेंड करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।